हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए होने वाली है और इसका टॉपिक होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर इस टाइप का कोई रिलेशनशिप आपका किसी के साथ में है या आपके पार्टनर का किसी के साथ में ऐसा रिलेशनशिप है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी करेगी हुई ये हम बोल देते हैं इसमें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं और गलत कमेंट भी कर देते हैं। तो जितनी आपके साथ मैच करे उतनी लीजिए, जबरदस्ती इस वीडियो को अपने साथ मैच करने की कोशिश मत करिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक किए बिना प्लीज ना तो कॉल करिए ना ही व्हाट्सएप पे आइए। तो चलिए लिब्रन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिशमैन गाइड कीजिए लिब्रन, जिस पार्टनर के साथ में है उनकी इस टाइम पे उनके लिए क्या एनर्जी है। फिशमैन गाइड कीजिए, दो कार्ड एक साथ आ गए तो हमने दो ले लिए हैं। फिशमैन गाइड कीजिए लिब्रन, जिस पार्टनर को अपने माइंड में रख के वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे उनकी लिब्रन के लिए क्या एनर्जी है। फिशमैन गाइड कीजिए, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप जिन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो आपके माइंड में है, और लिब्रन ये आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है, तो उसी तरीके से जिससे जैसे आपको मैच करती है वैसे ही इसको देखिएगा। प्लीज रिमाइंड गाइड कीजिए पार्टनर की इस टाइम पे क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आपका द मून का आया है, वो भी रिवर्स में आया है, इसको सीधा करके रख लेते हैं यहाँ पे। लिब्रन, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या तो वो मैं आपको कह दूं कि वो आपके पीछे कमिटमेंट के लिए भाग रहे हैं या आप उनके पीछे कमिटमेंट के लिए भाग रहे हैं, और ये रिश्ता जो है बहुत ज्यादा छोटी सी बात से शुरू होकर बहुत ज्यादा वाद विवाद में उलझ जाता है। एक दिमागी सुकून जो है आप लोगों का खत्म हो चुका है। यहाँ पे मुझे कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। डेथ का कार्ड भी है तो ऑब्वियस आपका रिलेशनशिप जो है वो बदल रहा है। मैं इस कार्ड को कभी भी नेगेटिव नहीं मानती हूँ। अगर कोई चीज नहीं चल रही है, चाहे वो रिश्ता हो, सिचुएशन कुछ भी है, अगर आपको उसमें बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो रही है, आपकी ग्रोथ रुक रही है लाइफ की, तो उसको वहीं पे एंड कर देना ठीक है। एक नई शुरुआत करना ज्यादा बेहतर है। जजमेंट का कार्ड भी है, चीजें सही नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए हम देख रहे हैं, वो इसमें चाहते हैं कि उनके साथ में न्याय हो, जो चीजें गलत हो गई हैं वो सही हो, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। एट ऑफ कप है, ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप जो है, एक बंदा इसमें से क्विट करना चाहता है, वापस जाना चाहता है, लेकिन चीजें काम नहीं कर रही हैं, इसलिए ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड भी इसको कह सकते हैं कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो बैक करेंगे जब सिचुएशन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेंगे और चीजें सही हो जाएं। कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक रिलेशनशिप जो है वो परफेक्ट चाहिए होता है, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम वहीं पे स्टॉप लगा देते हैं। तो लिब्रन, ये रिलेशनशिप जो है मुझे एक तरह से इसमें स्टॉपेज नजर आ रहा है, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो। ये कार्ड मैं हमेशा कहती हूं कि ये जब भी आता है इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना ट्रिगर जो है ना दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया है, बस दूसरा उसको जरा सा दबाएगा और आप शुरू हो जाएंगे। इतनी ज्यादा मानसिक परेशानी इसमें होती है कि बस दूसरे ने एक्ट किया, दूसरे ने जरा सा कोई बात बोली, आपका तुरंत झगड़ा हुआ, आप तुरंत परेशान हो गए। और ये सबसे ज्यादा परेशानी जो है ये दूसरे के लिए नहीं, आपके खुद के लिए होती है।
तो हो सकता है लिब्रन आप जिन पर्सन को अपने माइंड में आपने रखा हुआ है ये सारी चीजें तकलीफें वो आपको दे रहे हो या आप उनको दे रहे हो, तो ये रिलेशनशिप जो है ऑलमोस्ट मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो द मून का कार्ड जो है रिवर्स में आया था, चीजें बदल सकती हैं लेकिन तब जब आप जो है इस पे काम करें और सिचुएशन को आप संभालने की कोशिश करें तब ऐसा हो सकता है। हो सकता है काम की कोई टेंशन हो आपके पार्टनर को, हो सकता है कि फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है कि वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हम देखते हैं जो बन जाते हैं उनको छोड़ना मुश्किल होता है दोनों ही तरफ से, या कभी कोई एक क्विट कर जाता है दूसरा उस दुख के साथ वहीं पे खड़ा रह जाता है। तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए। प्यार और दोस्ती में एक सूत भर का एक धागे जितना बारीक फर्क होता है, उस लाइन को समझ कर ही आपको रिश्ता जो है वो बनाना चाहिए कि आगे वो निभ भी पाएगा या नहीं। यहां मुझे चीजें जो हैं वो डेफिनेटली चेंज लग रही हैं, बदलती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में गुंजाइश है तो आप इसको बचा सकते हैं। अगर पहले से ही ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, चीजें ठीक नहीं थी, तो बदलाव तो देखिए डेफिनेटली यहां पे आएगा ही आएगा। रिलेशन यहां पे है बट एक आदमी जो है वो क्विट करता हुआ यहां से नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है जिन पर्सन को आपने अपने माइंड में रखा हुआ है वो नेक्स्ट आपके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लिब्रन के पार्टनर जो हैं, लिब्रन के लिए नेक्स्ट क्या स्टेप ले सकते हैं, और इसमें हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लिब्रन के पार्टनर, लिब्रन के लिए नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे। फाइव ऑफ कप, लिब्रन के पार्टनर नेक्स्ट लिब्रन के लिए क्या स्टेप लेंगे। तो फूल की एनर्जी है, थोड़े से लापरवाह है, एक नई शुरुआत हो सकती है। लिब्रन के पार्टनर लिब्रन के लिए नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे। क्वीन ऑफ कप राइट कीजिए। आपके पार्टनर जो है वो आपकी सिटी से थोड़ा सा दूर भी रह सकते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए पेज ऑफ सॉल्ट्स भी है, अपनी बात को ऊपर रखना, और एक चीज मैं ये भी कह दूं कि थोड़ा सा डिले भी हो सकता है चीजों में। तो आपके पार्टनर के एक्शन के बारे में बात करते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि जब रिश्ता जो है वो बदल जाता है तो उस बदलाव को या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या उस चीज को बदलने से पहले ही आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। यहां पे आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी हिली हुई नजर आ रही है। एक तो वो नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही है, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है आदमी उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये देखिए एक अकेलापन, एक थोड़ा सा किसी को खोने का डर, या किसी को खो चुके हैं उसका एक दुख, एक बेनियाजी सी, जैसे जब आप कुछ खो देते हैं और ज्यादा आपको दुख होता है तो कुछ टाइम के लिए आप अपने आसपास जो भी कुछ होता है उससे लापरवाह हो जाते हैं। सेम ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की है, बट मैं यहां पे आपको थोड़ी सी उम्मीद दिला सकती हूं कि अगर आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं। कोई मैच्योर बंदा है, या तो मैच्योर एनर्जी आपकी है या आपकी पार्टनर की है, किसी भी मैच्योर बंदे की एनर्जी है यहां पर कि वो प्यार तो करता है, रिश्तों को प्यार करता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन काफी चीजें जो हैं वो छुपा भी ली हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर बात इतनी गहरी हो गई है जो दिल में बैठ गई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा और अपनी जी जान कोशिश भी करनी होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ मुद्दे पर जो है ना आप लोगों का बहसबाजी ज्यादा होती है, और जब किसी भी रिश्ते में ज्यादा बहसबाजी होती है तो वो टिकता नहीं है।
आपके पर्सन जो हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अपने करियर पर भी थोड़ा सा उनका फोकस ज्यादा है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एक चीज उन्होंने चूज कर ली है। यस और नो में एक कार्ड निकालते हैं सबसे पहले, लेकिन वो मैं बाद में निकालूंगी, पहले आपकी एनर्जी भी यहाँ पे देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इवन गाइड कीजिए लिब्रन की एनर्जी, जिस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे उनके लिए क्या है। ओके सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, आप इंतजार के मोड में मुझे लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है आगे बढ़े। विप्रन की एनर्जी, आपके एनर्जी में मुझे यहाँ फिलहाल तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आया है। आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी उस पर्सन के लिए पॉजिटिव है जो इस समय आपके माइंड में है। जस्टिस का कार्ड आया है, आप चाहते हैं कि जो भी कुछ हो आगे वो बिल्कुल सही हो, सही तरीके से आगे बढ़े, बट हाँ कुछ चीजों में, मामले में कुछ समस्या तो यहाँ पे है। अगर आप सही हैं तो ये जो रीडिंग है ये आपके फेवर में जाएगी, अगर आप सही नहीं हैं तो परेशानी हो सकती है। आप एक सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इंतजार के मोड में है, काफी एनर्जी है आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेके, और आप जस्टिस भी चाहते हैं कि चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएं। कुछ परसेंट लोगों के मैटर जो हैं वो लीगल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप सही हैं तो ये फैसला आपके हक में भी जा सकता है, और अगर लीगल मैटर आप लोगों के नहीं हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से काफी इस रिलेशनशिप में समस्याएं हैं। कार्ड निकाल लेते हैं यस और नो का। आपकी एनर्जी काफी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लगी है लिब्रन, आप अपने पार्टनर को लेके पॉजिटिव हैं और इस रिलेशनशिप में आप ग्रोथ चाहते हैं। इस डिवाइन गाइड कीजिए लिब्रन, जिस पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे उनके पर्सन क्या स्टेप लेंगे। बस आपके पर्सन इसमें स्टेप ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक पॉजिटिव कार्ड आया है, बट हाँ देखिए समस्याएं तो हैं, आप बात करके देखिए। और एक चीज मैं हमेशा, जैसे मैंने ऊपर भी आपकी कार्ड की रीडिंग में कहा, अगर कोई रिश्ता ग्रोथ नहीं कर रहा है और आप पूरी तरीके से हार चुके हैं उसमें कोशिश करके, तो उसको वहीं पे आपको रोक देना चाहिए और अपने जीवन की शुरुआत एक नए रिश्ते से आप करिए, ताकि आपको सुकून मिल सके। अगर एक एक दिन झगड़े में ही बिताना है उससे कोई फायदा नहीं है। यहां मैं आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए पॉजिटिव हूं, हो सकता है बट हाँ थोड़ा सा डिले होगा, और साथ में आपको उसके लिए कोशिश भी करनी होगी। तो लिब्रन ये एक छोटी सी रीडिंग थी, इसको आप अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होगी। डिस्क्रिप्शन चेक किए बिना प्लीज ना तो कॉल करिए ना मैसेज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।